जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू मेरे साथ हैं। सुनील जी, तीन राज्यों में जीत बीजेपी ने मैसिव दर्ज की है, उसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से कई तरह के आरोप ईवीएम से लेकर तमाम तरह की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो पांच राज्यों के चुनाव हुए जिसका रिजल्ट निकला, चार राज्य जिसमें तीन में बीजेपी की प्रचंड बहुमत हुई और एक में कांग्रेस की बहुमत हुई। बीजेपी ने चुनाव में जाने के वक्त एक नारा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो गारंटी है। तीन राज्यों की जनता ने उनके इस नारे पर मोहर लगा दी अपनी, और एक राज्य में कांग्रेस के नारे पर मोहर लगी। तो ये हमें स्वीकारना होगा कि आज हमें जनता का माइंड क्या है, और जनता के माइंड को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम चुनाव में जाकर इसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, वो भी अब टल गई, क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेकर उसमें बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, जबकि एनडीए का क्लियर है। वो बात तो सही है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने ईगो के सामने किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस वही घिसेटे पिटे राग पर है, वो जब तक अपने इस ईगो को छोड़कर क्षेत्रीय दल को आगे खड़ा करके पीछे नहीं खड़ा होगी तब तक ले कांग्रेस का पुनरावापसी संभव नहीं है। क्षेत्रीय दल के ही बल पर आज कांग्रेस, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, हर जगह कांग्रेस क्षेत्रीय दल के बल पर खड़ी है। गौमूत्र और सनातन विवाद पे भी कांग्रेस की चुप्पी है, उस पर क्या आपको लगता है कि उनको अपनी सफाई देनी चाहिए? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस में। एक तरफ उनके नेता कहते हैं कि हम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ उनके तरफ से, भाई हर धर्म की मान्यता है, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं भाई, आप किसी के धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? कभी भी तो कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है और हमें अपने भगवान पर, आराध्य पर भरोसा है, तो हमारी भावना को मत खेलिए भाई। आपको जो करना है आप अपने भगवान के साथ कीजिए, तो दूसरे के भगवान को मत मजाक का हिस्सा बनाइए। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में क्लैरिटी आनी चाहिए, पीएम पद का चेहरा देना चाहिए? जब तक पीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर होगा इंडिया गठबंधन पर, तब तक देश की जनता का विश्वास नहीं। आपको लगता है कि जेडीयू को साथ रहना चाहिए इंडिया गठबंधन के, या जगह बदलना चाहिए? ये तो निर्णय लेने का पूरा हक है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। माननीय नेता का जो निर्णय होगा हम लोग नीतीश जी के साथ। जेडीयू आपसे नाराज हो गई है कि आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, आप पाला बदल रहे हैं? नहीं नहीं, ना हम पाला बदल रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो सत्य है उसको स्वीकारिए, ऐसा थोड़ी है कि कोई जीतता है तो दूसरा पार्टी उसको बधाई नहीं देता है। आज हमने पूछा कि रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में जीते हैं तो क्या वहां के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई नहीं दी, जिससे क्या वो पाला बदल लिए? ये गलत सोच है, हमें सत्य को स्वीकारना होगा। नहीं सत्य को स्वीकारेंगे तो इसी प्रकार जनता हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर देगी। बिहार में सरकार अच्छी चल रही है, आपको लगता है कि आरजेडी के साथ जो आपका गठबंधन है वो सही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का के द्वारा बिहार में राज्य ठीक चल रहा है। पीएम के चेहरे के तौर पे देखते हैं क्या नीतीश जी को? ये तो एनडीए इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय करेंगे, उसमें मैं नहीं हूँ कोई ऐसा निर्णय। वो निर्णायक होंगे जब सभी क्षेत्रीय दल बैठेंगे, और ये बात जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा पूरे हिंदुस्तान में एक स्वच्छ चेहरा। शुक्रिया, धन्यवाद। कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली।